आजा तू भी आजा भैंस के फूफा, ले तू भी ले। भाई ये मिलिट्री वाले से रोक रहे हैं, रुक नहीं रहा है भाई, उड़ा दी पूरी मिलिट्री। तो भाई ये भी देख लो भाई, पकवान बन गया इसका भी। तो भाई ये दोस्त हमारा मिलिट्री बेस पे मिलेगा हमें, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो भाई फ्रैंकलिन माइकल को ले आते हैं, माइकल ये रहा हमारे साथ। भाई पूरा रनवे ज़ॉम्बीज़ ने खेल लिया है उड़ा। सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी, मेरा नाम है रवि, स्वागत है आपका GTA 5 ज़ॉम्बी के लिए पार्ट 2 में। तो भाई लोगों, पिछले पार्ट में आपने देखा था फ्रैंकलिन को मिलिट्री वालों ने कैसे बेवकूफ बनाया और मिलिट्री बेस में घुसवा कर दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट मंगा लिया अपने मतलब के लिए। तो यहाँ अब भाई फ्रैंकलिन मिसिंग है, यहाँ ट्रेवर अकेले जगह पे छुपा हुआ है। अभी ट्रेवर को कुछ पता नहीं है कि फ्रैंकलिन कहाँ है, क्या हुआ है। अभी ये ज़ॉम्बी से बच रहा है, यहाँ छुपा हुआ है। अभी ये इस कुत्ते को ज़ॉम्बी समझ के मार देता, वो तो बच गया। तो यहाँ अब आगे की स्टोरी जानते हैं कि ट्रेवर कैसे फ्रैंकलिन को मिलेगा, कैसे उसे बचाएगा। अरे किसका फ़ोन आ गया। हेलो, तुम्हारे दोस्त माइकल और फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा मुसीबत में, जल्दी मेरा लोकेशन भेजो, उस लोकेशन पे आओ। चलो मैं निकलता हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो भाई यहाँ मुझे एक कॉल आया किसी अननोन बंदे का, पता नहीं कौन है क्या है। तो यहाँ चलते हैं। ओ शिट, ज़ॉम्बीज भाग यहाँ से। तो यहाँ भाई ज़ॉम्बीज आ गए हमारे घर पे, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। और भाई लोगों, आपने देखा ज़ॉम्बीज ने हमारे नए अड्डे पे भी छापा मार दिया एक तरह से। तो आप लोगों को बता दूं, ट्रेवर ना 2 दिन से सर्वाइव कर रहा है इन ज़ॉम्बीज से, हर जगह आ जाते हैं, कोई भी जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। और दुनिया की 70% आबादी तो भाई अब बनी चुकी है ज़ॉम्बीज, कोई नहीं बचा। तो यहाँ किसी आदमी का मिलना तो भाई करिश्मा से कम नहीं है, उसने हमें फ़ोन करके बुलाया। तो उसके पास चलते हैं, कौन है वो, क्या है। तो भाई लोगों, मैं इस गाँव के इलाके में आ गया, मेरी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम बचा है। तो यहाँ एक पेट्रोल पम्प था, मैं पेट्रोल गिरवा लेता हूँ। तो यही है शायद वो, पेट्रोल नहीं है तो गैस स्टेशन है। यार यहाँ तो गैस है, अब मैं क्या करूँ। तो मुझे भाई बड़ा ही प्यारा ट्रक दिखाई दे रहा है, येलो कलर का। एक काम करता हूँ, इन्हें ले लेता हूँ। तो ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, निकल यहाँ से। ओ शिट, मैडम आ रही है, निकलो यहाँ से। तो भाई देख रहे हो, मर नहीं रहे, दोबारा खड़े हो गए, निकलो यहाँ से। शिट, तो भाई जल्दी से ट्रक में बैठता हूँ। ओ शिट, मैडम आ रही है, जल्दी बैठ। तो मुझे लग रहा है अंदर नहीं घुस पाएंगे, जल्दी से स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए। हो गया, यस। तो इस ट्रक को लेके चलते हैं, गाड़ी को यहीं छोड़ देते हैं। भाई ट्रक भी कितना हैवी है, देख रहे हो टायर इसके एकदम नीचे तक निकले पड़े हैं बाहर की तरफ। तो ये ज़ॉम्बीज को कुचलते हैं। तो यहाँ एक और ज़ॉम्बीज आ गए, निकल यहाँ से। तो जल्दी से उस बंदे के पास चलते हैं, उसने हमें बुलाया था जहाँ पे। तो भाई लोगों, जैसा कि मैंने कहा था, दुनिया में 70% आबादी खत्म हो चुकी है। तो बंदा बचा हुआ है, तो भाई जरूर वो तगड़ी फिल्म होगा, कुछ खतरनाक ही बंदा होगा एक तरह से। तो हमें बहुत संभल के जाना पड़ेगा, कहीं पता लगे भाई हमें मार के हमारे हथियार वथियार छीन लें। क्योंकि आजकल मारकाट मच रही है पूरी दुनिया में, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं भाई, कपड़े से लेकर जूतों के लिए, खाने तक लेकर हर किसी चीज़ के लिए मार रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ हमें लगभग आ गए, अब जल्दी से चलते हैं उस जगह पर जहाँ उसने हमें बुलाया था। तो भाई लोगों, मैं यहाँ आ गया, मुझे यहाँ एक भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है यही वो जगह है जहाँ उसने मुझे बुलाया था। तो जल्दी से यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या हिसाब है। भाई ज़ॉम्बी तो एक भी नहीं है यहाँ, एकदम सफाया कर रखा है पूरा रोड। तो मैं उस जगह पे आ गया, तो अपना ट्रक यहाँ पार्क कर देता हूँ, आगे की तरफ नहीं जाऊँगा मैं, थोड़ा खतरा है यहाँ। तो यहाँ मैं इसे खड़ा कर देता हूँ, बस कोई ले ना जाए, इसे लॉक लगा देता हूँ इसमें। तो यहाँ बड़े ही आराम से चलते हैं, बस कोई उड़ा ना दे हमें। तो जल्दी चलते हैं, मुझे वहाँ कुछ गतिविधि दिखाई दे रही है वहाँ। तो यहाँ पहाड़ों पे भी कोई नहीं है लगभग, ज़ॉम्बी भी यहाँ एक भी नहीं है। तो इन्होंने लगता है सारा रोड वोड सब साफ कर रखा है। तो गाइस मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी लेंस वाली बंदूक निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ अजीब ही चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है यार, इसके पास चल के देखते हैं जल्दी से। तो गाइस मैं यहाँ आ गया, ये अजीब सी चीज़ क्या है। तो पेट्रोल का टैंक है मुझे पता है, मिलिट्री वालों का है, लेकिन और ये पीछे अजीब सी चीज़ क्या है इसे देखता हूँ मैं ज़रा। उससे पहले मैं उस बंदे को ढूंढता हूँ जिसने मुझे यहाँ बुलाया था। तो गाइस ये आ गए, वो हमारे दोस्त, इन्हीं ने हमें फ़ोन करा था। तो इनसे पूछते हैं, तो तुम फ्रैंकलिन और माइकल के बारे में क्या क्या जानते हो दोस्त? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम है ट्रेवर, तुम्हारे तो दोस्त है माइकल और फ्रैंकलिन। मेरे आदमी ने बताया तुम्हारे दोस्तों को किडनैप कर लिया गया है, तो मुझे भी मिलिट्री वालों से बदला लेना है, तो मैं तुम्हारे साथ बदला लूंगा, इसलिए क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तो गाइस मैं इनसे हाँ बोल देता, क्योंकि मुझे भाई फ्रैंकलिन माइकल को बचाना, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। तो इनसे हाँ बोल देते हैं। A few moments later. तो गाइस इन्होंने कहा ना, ये जो टैंक है ना, पेट्रोल का टैंक है, मिलिट्री वालों को चुराया इन्होंने, इससे ये लोग क्या करेंगे, मिलिट्री बेस में घुसेंगे, वहाँ जो नाकाबंदी लगा रखी है ना मिलिट्री वालों ने अंदर ना घुसने की, तो उस पूरे एरिया को उड़ा देंगे। और आप सोच रहे होंगे मिलिट्री बेस में मिलिट्री वाले कैसे आ गए, वहाँ तो ज़ॉम्बीज थे। तो मैं बता दूंगा, मिलिट्री वालों ने सारे ज़ॉम्बीज मार के दोबारा टेक ओवर कर लिया मिलिट्री बेस, अभी इन्होंने बताया मुझे। तो यहाँ एक चीज़ और है भाई, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ही है, अभी मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। आप देख रहे थे रोड पे एक भी ज़ॉम्बीज नहीं था, पता है क्यों, इसी चीज़ की वजह से। तो मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ ये। तो ये देखो भाई, इसमें से आग निकलती है, आग, ज़ॉम्बी का तो भाई कीमा बन जाएगा इसमें।
जल गुन के, तो जल्दी से नीचे उतरते हैं, इनके पास चलते हैं। तो गाइस इन्होंने कहा है ना ये हमारे साथ जाएंगे, ये लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इन्हें ना पता है ज़ॉम्बी का वायरस चढ़ चुका है, ये कभी भी मर सकते हैं। तो ये हमारे साथ जाएंगे कुर्बानी देने, क्योंकि ये कुर्बानी देना चाहते हैं क्योंकि भाई ज़ॉम्बी का वायरस तो वैसे भी लग ही गया है। तो ये आज बड़ा काम करेंगे एक, और ये जो लोग हैं साथ के ये तो भाई चले जाएंगे अपने इनके मिलिट्री कैंप पे, वहाँ पे और लोगों की रक्षा करने। तो फिलहाल जल्दी से चलते हैं अपने इसमें। तो भाई जैसा आप देख सकते हैं हमारा दोस्त ट्रेलर लेके निकल चुका है। मैं आपको बता दूँ ट्रेलर में हमने बम लगा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह पे जा रहे हैं। भाई माइकल ट्रेवर को बंदी बना के रख रखा है। यहाँ मैं आपको सबसे पहले एक गन चला के दिखाऊंगा। इसमें देखो भाई आ गए इतनी सारी ज़ॉम्बीज को मारेंगे इससे। भाई ये दोस्त हमारा मिलिट्री बेस पे मिलेगा हमें, हम यहाँ से जा रहे हैं, ये हमारा दोस्त मिलिट्री बेस पे आएगा, वही बात होगी अब। तो यहाँ मैं पहले शहर में ज़ॉम्बीज को जलाता हुआ जाऊँगा, मैंने फैसला करा है। तो ये भाई ज़ॉम्बीज मिल गए हैं मुझे, इन्हें अपने पास बुलाता हूँ। तो हेलो हेलो, खाना आ गया, खाना आ जाओ, खाना दूंगा मैं खाना। तो भाई देख रहे हो कैसे चल रहे हैं आदम खोस अजीब से, इन्हें जला दो। तो भाई ये देखो ज़ॉम्बीज की हालत ख़राब हो गई, जल गया पूरा, देख रहे हो पकवान बन गए इसके। आ जा तू भी आ जा भैंस के फूफा, ले तू भी ले। तो भाई ये भी देखो भाई पकवान बन गया इसका भी, इसकी बिरयानी बनाएंगे अब, इसे भी जलाओ। ये उस साइड है ज़्यादा, इस साइड नहीं है, इस साइड ही चलते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ इस साइड हमें एक मिल गया, छोड़ो। तो इसे जलाते हैं पूरी तरह, भस्म कर देंगे इसे। तो जल अब जलेगा, ये जल गया। तो भाई पूरा भस्म कर दिया, एकदम काला कर देंगे पूरा जला के। तो भाई देख रहे हो कैसे तड़प रहा है, जलो जल, लोगों को खाने में मज़ा आता है ना तुम्हें। अब एक काम करते हैं इसके ऊपर चढ़ा देते हैं ट्रक, ले भाई ख़त्म कहानी। तो भाई देख रहे हो ट्रक कितना खतरनाक है। A few moments later. तो गाइस फाइनली सामने देख सकते हो मिलिट्री बेस है, वो जा रहा हमारा दोस्त पूरी तैयारी में, लेकिन वो बहुत परेशान है, उसको डर लग रहा है वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। तो हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो भाई हम मिलिट्री बेस पहुंच गए हैं, इससे आगे मिलिट्री बेस है। अब हमें अपने दोस्त माइकल फ्रैंकलिन को बचाना होगा। तो यहाँ हम ट्रक में थोड़े बम लगा देते हैं ताकि धमाका तगड़ा वाला होए। A few moments later. तो गाइस मैंने सारे स्टिकी बम लगा दिया, और मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था उस पर ज़्यादा टाइम नहीं बचा, कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। तो वो अपनी कुर्बानी देने जा रहा है, हम जल्दी से अपने ट्रक में बैठ जाते हैं। तो चलो भाई चलते हैं अंदर की तरफ, तो मेरा दोस्त पहले निकलेगा, मैं पीछे पीछे आऊँगा। तो गाइस मेरा दोस्त निकल चुका है, मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ मिलिट्री बेस की तरफ। तो सामने भाई मिलिट्री वाले कन्फ्यूज़ हो गए हैं कौन आ रहा है, तो जल्दी से जाने देते हैं पहले। तो चलते हैं, तो भाई ये मिलिट्री वाले से रोक रहे हैं, रुक नहीं रहा है। तो भाई जवा देते हैं बटन, तो भाई उड़ा दी पूरी मिलिट्री। चलो भाई जल्दी रास्ता बनाते हुए अंदर चलो। तो भाई लगभग ये सारी मिलिट्री उड़ा दी है, पीछे भाई मिलिट्री वाले और आ गए हैं गोली मार। जल्दी से अपना ट्रक लेकर अंदर चलते हैं। तो भाई यहाँ टैंक आ गया देख रहे हो। तो भाई मैं अंदर आ गया, अब मुझे माइकल और फ्रैंकलिन को ढूंढना, उन्होंने कहाँ रख रखा है। तो जल्दी से यहाँ चलते हैं भाई, एक गाड़ी और आ रही है, जला देते हैं, चलो उन्हें जला देते हैं भाई। तो जल्दी से भाई माइकल फ्रैंकलिन को ढूंढते हैं। तो ये मिलिट्री वाले मेरे पे गोलियां चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी ले आए हैं अपना। तो यहाँ ये रे भाई ने जला देते हैं पूरे, भाई जला दिए सारे मिलिट्री वाले जितने भी थे, गोली मार रहे हो लो तुम भी जलो। बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, यहाँ ये भाई अपना पता है कारोबार चला रहे हैं, हथियार सप्लाई कर रहे हैं इधर उधर। तो फटाफट से भाई माइकल फ्रैंकलिन को ढूंढते हैं। तो भाई मुझे थोड़ी शांति सी लग रही है, मिलिट्री वाले पता नहीं कहाँ गए, अभी तो गोली मार देते हेलीकॉप्टर से, गाड़ियाँ पीछे लग रही थी पता नहीं सारी कहाँ गई। तो भाई यहाँ तो शिट, ये क्या हुआ, ये तो भाई ज़ॉम्बी बन गए हैं। ओ शिट, इन्हें जलाओ, जलो तू भी जल, इसलिए तो लाओ ये मशीन में भाई इतनी ख़तरनाक। तो भाई वो बंदा बहुत अच्छा था जिसने माइकल फ्रैंकलिन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। तो ये एकदम से ज़ॉम्बी कैसे बन गए, अभी तो मेरे पीछे थे, मेरे को लग रहा है इन्हें कहीं कैद कर रखा होगा, वो दरवाज़ा टूट गया गलती से मेरे से आते समय, तो ये सारे आज़ाद हो गए होंगे। तो जल्दी से माइकल फ्रैंकलिन को ढूंढते हैं। तो यहाँ तो कहीं माइकल फ्रैंकलिन दिख नहीं रहे, क्योंकि मिलिट्री वाले ऐसी जगह पर तो उन्हें रखेंगे नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, उनके दफ्तर में जाता हूँ अंदर, तो मुझे उनका दफ्तर यही लग रहा है, यही बढ़िया सी जगह लग रही है, इसके अंदर जाता हूँ। तो मैं अपना ट्रक यहाँ खड़ा कर देता हूँ, ज़ॉम्बी तो अभी ज़्यादा दूर है, पास नहीं आए हैं, जल्दी से अंदर चलते हैं। तो यहाँ से जल्दी से अंदर इस दरवाजे के अंदर चलते हैं। तो भाई मुझे यहाँ माइकल और फ्रैंकलिन मिल गए हैं, इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो इन्होंने मिलिट्री वालों को लपेट दिया, अब ये हमारे साथ चलेंगे। तो बाहर भाई गोली चल रही है बहुत तगड़ी, तो मैंने ले जाता हूँ अपने साथ। शिट,
ओ भाई ये कौन आ गया, इन्हें मारो जल्दी से। तो भाई इतने सारे आ रहे हैं, इन्हें मारना मुश्किल होता जा रहा है। तो माइकल फ्रैंकलिन जल्दी आओ, ट्रक में बैठो। भाई माइकल फ्रैंकलिन बाहर आने से डर रहे हैं, तो मैं जल्दी से ज़ॉम्बीज को मार देता हूँ। भाई ये इतने सारे मिलिट्री वाले आज़ाद हो गए, मिलिट्री वाले ने अपने ये दूसरे भाई जो होते हैं ना उन्हें बंद कर रखा था क्योंकि ये ज़ॉम्बी बन चुके थे, तो इन्हें जल्दी से मार देते। हटो यहाँ से, हटो। तो भाई फ्रैंकलिन माइकल को ले आते हैं, माइकल ये रहा हमारे साथ। तो माइकल जल्दी मार। तो यहाँ ज़ॉम्बीज भारी पड़ रहे हैं, फ्रैंकलिन ने मुझसे कहा था कि वो एक प्लेन चुरा के लाया था, उस प्लेन में चल रहे हैं। तो भाई हमें ये ट्रक अपना यहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें प्लेन में जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है, माइकल फ्रैंकलिन दोनों आ जाएं। तो जल्दी से उस प्लेन को लेने चलते हैं जो फ्रैंकलिन ने चुराया था, वो मिलिट्री वालों ने यहीं खड़ा कर रखा है। तो गाइस फाइनली हम प्लेन में बैठ गए, भाई पूरा रनवे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया, इन्हें उड़ा देते हैं जल्दी से, इन्हें कुचल देते हैं, मसल देंगे एकदम। तो जल्दी से प्लेन को उड़ा लेते हैं। भाई बहुत बड़ा प्लेन है ये, मैंने बताया था पहले ही आपको। तो भाई बहुत ज़्यादा भारी है, बड़ी मुश्किल में उड़ा है। तो मिलिट्री बेस यहाँ हमने छोड़ दिया है, अब जल्दी से भाई जगह को पूरे देश को छोड़ के चल रहे हैं हम। तो समुद्र की तरफ ले लेते हैं इस प्लेन को। तो माइकल और फ्रैंकलिन को देख लेते हैं एक बार क्या कर रहे हैं। तो यहाँ भाई माइकल आराम से बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माइकल। तो गाइस ये शहर अब सुरक्षित नहीं है, हमने प्लेन चुरा लिया है, माइकल भी बैठ गया है। अब और लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं, उन्हें बचा लेंगे हमारे दोस्त। तो हम इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं अब हमेशा के लिए, वाइस सिटी जाएंगे या लिबर्टी सिटी देखी जाएगी। तो इस प्लेन को हम ले जाएंगे, कितनी भी दूर तक उड़ा लो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पेट्रोल बहुत है, मैंने अभी चेक करा था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और जो भाई लोग नए आए चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो चलो भाई चलते हैं, टाइम आउट। चलो भाई।